अस्सलाम वालेकुम। इट्स 3 नवंबर अर्ली इन द मॉर्निंग। देख रहे हो आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी अभी तक। और आई नेवर वांटेड टू बी अ व्लॉगर एंड आई एम नॉट अ व्लॉगर, बट कभी कभार इंसान का दिल करता है कि वो रूटीन से हट के अगर कुछ कर रहा है, लाइक रोज़ सुबह उठ के जॉब पे जाओ या यूनिवर्सिटी जाओ, अगर इसे हट के अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको वो रिकॉर्ड कर ले मेमोरीज के लिए। तो अभी आवाज़ भी इतनी निकल रही है, नाश्ता करने जा रहा हूँ। ख़ास अपडेट नहीं है, अपडेट बस ये है कि रेड जोन एक्सटेंड कर दिया गया है, और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है F6 के अंदर मेरी ट्रेनिंग है, वन डे है, और उधर जा रहे हैं। और आज यूनिवर्सिटी से लीव ले लिए। गला थोड़ा सा ख़राब है, कॉल की थी मैंने घर पे तो उनसे पूछा क्या खाऊं, मेडिसिन वगैरह सारा कुछ। तो अभी बाहर नाश्ता करने जाऊंगा, वापस आऊंगा, और वापस आके तो थोड़ा ड्रेसअप होके तो फिर इंशाल्लाह उधर जाना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ब्लॉक का पंगा लेने का भी। इसी के साथ साथ मैं ये बताना भूल गया कि लॉन्ग मार्च वगैरह चल रहा है, इस वजह से रेड जोन को, इसके साथ साथ मैं ये बताना भूल गया कि लॉन्ग मार्च वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से रेड जोन को एक्सटेंड किया जा रहा है, किया जा चुका होगा आज तक अभी तक। तो वो जो एरिया एक्चुअली वो अब न्यू रेड जोन के अंदर आ रहा है, तो मुझे यही है यार कि वहाँ कोई इशूज़ वगैरह ना हो। दूसरा, कल वापसी पे आते हुए बाइक के अंदर पेट्रोल रिज़र्व पे लग गया था, तो मैंने एज़ यूजुअल उसका पेट्रोल रिफिल नहीं करवाया। तो थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है ना दिमाग में कि यार जाना है, ये करना है रास्ते में, तो बस वो चल रहा है अभी। और आगे पीछे का एनवायरनमेंट, दिस इज़ इस्लामाबाद एंड मतलब द प्लेस वेयर आई लिव। तो अभी बस नाश्ता करने जाता हूँ यार, टाइम बहुत हो गया। रूममेट सोया हुआ है पीछे, तो लाइट नहीं चलाई। ऑलरेडी 10 से ऊपर हो गया टाइम, और ट्रेनिंग का टाइम 10 बजे से स्टार्ट था। लेट हो गया हूँ, लेकिन ये 1 बजे तैयार हो गया हूँ, जल्दी जल्दी निकलता हूँ। इस वजह से कोई नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं दिखाया, अभी बस निकलते हैं, देर हो गई ऑलरेडी। ये लो यार थोड़ा सा ना, तुम लोग रास्ता भी देख लो, बस अब जल्दी जल्दी से जाते हैं, टाइम नहीं है। Continue on service road east for 1.5 kilometers. बेसिकली ये जो सारा एरिया है ना इधर वाला, इन्होंने कर दिया रेड जोन के अंदर शामिल, इधर वाला नहीं है। तो हम बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं, वो भाई भी देखो फोटोग्राफी कर रहा है, यहाँ से दरअसल व्यू अच्छा आता है काफ़ी। तो हम उधर से आगे से जाके वहाँ से F6 से एंटर होंगे। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इधर को जाएँ तो सारा बहरिया टाउन आता है, तो उधर चलते हैं अभी। वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारी पार्लियामेंट है, जिसकी के कोई ख़ास इज्जत नहीं है आजकल। पुलिस वाले खड़े थे, मैंने बंदी कर दिया, मैंने कहा यार हमें पंगा ना करें, तो ये रेड जोन बना दिया है और इसके अंदर आप लोग फिल्मिंग नहीं कर सकते। दिस इज़ द ब्यूटीफुल F6। हमारा होटल जो है वो मैंने गूगल पे चेक किया था, रूमी सिग्नेचर होटल है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, और पिक्चर तो काफ़ी अच्छी थी,
एंड आई होप सो के जब वहाँ जाके एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहेगा, तो आगे जाके देखते हैं हम क्या सूट तैयार है। ये बेसिकली जो पहले रेड जोन था उसके बहुत करीब एरिया है ना ये, तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही हर कोई MLA MP मिनिस्टर जी घूम फिर रहे होते हैं, तो हर टाइम सिक्योरिटी और आ गया हमारा होटल आ गया भाई आ गया। और जनाब ये है हमारा होटल जहाँ हमारा आज ट्रेनिंग है, इवेंट है हमारा, तो अंदर जाकर चेक करते हैं क्या सीन है। और ये जी हम पहुँच गए हैं रूमी सिग्नेचर होटल, अच्छी वाइब है वैसे तो। उसने इधर ही कहीं बोला था कहीं जाने का, पता नहीं कहाँ जाना है। भाई इधर तो रेस्ट रूम्स आ गए हैं, मिल गया है भाई ये है। एक घंटा जो है हमने बहस वगैरह की, काफ़ी चीज़ें सीखी और अब खाने का टाइम हो चुका है। आपको भी मेन्यू दिखाते हैं। मैं यार अपना खाना वगैरह लेके साइड पे हो गया हूँ। यहाँ TCM पे एक फेलो थे हमारे जवाद भाई, वो मिले हैं हमें, तो उनके साथ गपशप हो रही है। जवाद भाई आप आना पसंद करेंगे? ये मुझे मीठा पसंद है, तो भाई मैं केक शेक चला रहा हूँ। और ये सारे हमारे जो फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी टी टाइम है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू होगा। अच्छा यार, तो मैंने ये बताया ही नहीं कि किस चीज़ की है ये कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग वगैरह। एक्चुअली ये ट्रेनिंग है कि हाउ टू काउंटर लाइक मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक न्यूज़ होती है, प्रोपोगंडाज होते हैं। आपने बींग अ जर्नलिस्ट या बींग अ लेमैन या जैसे आप सोसाइटी का एक आम आदमी है, आपने किस तरह से इसको काउंटर करना है, तो काफ़ी यूज़फुल है। इंट्रोडक्शन ये मैं बाद में बना रहा हूँ कि मैं अंदर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ काफ़ी 2-3 घंटे, टी ब्रेक भी हो गई, और इसके बाद इंशाल्लाह बाकी को कंटिन्यू करते हैं और मैं फिर अपडेट करता रहूँगा। और एक ज़रूरी बात और जो मैंने नहीं बताई है, वो ये है कि ये सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, NGO जो भी आप कह लें, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, इसका नाम है मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, ये करवा रहे हैं, ठीक है। और मुझे फ़िलहाल तक लाइक ओके की रिपोर्ट है, अच्छा सीन है। वापस चलते हैं हॉल में, मेरा ख्याल है दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है, तो चलो। एक मखसूस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, राइट? सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर का जो एक बहुत की फीचर है वो है कि इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू गेट एट, फॉर एग्जांपल, मैं अगर फ्लड्स पे रिसर्च कर रहा हूं, राइट? नॉट फाइजर। अब मैं चाहता हूं कि मैं फाइजर और मॉडर्ना दोनों को निकाल दूं, फिर मैं क्या सर्च करूंगा? उसके बाद है साइट कोलन। साइट आपको वो रिजल्ट्स देगा। ये यार हम कर रहे हैं काम, ठीक है। हमने स्ट्रिंग्स वगैरह यूज़ किए हैं कि स्पेसिफ़िकली उस चीज़ पे पहुँचे जो हमें चाहिए, तो ये देखो स्पेसिफ़िकली हमें FBR की वेबसाइट से रिजल्ट्स आए हैं, पार्लियामेंटेरियन की टैक्स फाइल 2015 से लेकर 2021 तक। उसने वो PDF फाइल्स हमें दे दी हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया था कि फाइल टाइप PDF चाहिए हमें,
तो इंटरेस्टिंग सीन हो रहा है भाई ये भाई के साथ। और हमारे साथ सीन ये हुआ है कि हमने भाई की चीटिंग की, भाई के रिजल्ट और आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट और आ रहे हैं। हमने थोड़ा सा एक छोटे वाला किया है, MMA फाइटर्स के बारे में हमें डाटा चाहिए था। साइट है don.com, डॉन के ऊपर MMA फाइटर्स के रिलेटेड जो भी हुआ है ना पब्लिश, उसके बारे में हमें ये बताएगा स्पेसिफिक करके। हमारा जो इशू आ रहा होता है ना कि गूगल के अंदर हमें चीज़ नहीं मिल रही होती जो हम सर्च करना चाह रहे होते हैं, तो वो इस तरह से फाइंड करते हैं बेसिकली। तो जो यूट्यूब पे अक्सर जुनेद अकरम या इंडिया से कुछ लोग हैं वो ये कह रहे होते हैं हमें सर्च ही नहीं करना आता गूगल पे, तो इट्स राइट, हमें वाकई सर्च नहीं करना आता है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, ये मैम को आपने देखा होगा शायद मैंगोबाद वगैरह पे, मैम मोमना नाम है शायद इनका, आई एम नॉट श्योर। और ये मैं हूँ, ठीक है। भजन अपना साल कहाँ से? इंडिपेंडेंट उर्दू, इंडिपेंडेंट उर्दू से हैं भाई जान, नाम नहीं मुझे पता लगा। हसान गुल, हसान गुल पता चल गया, हसान गुल। थैंक यू। ये भाई है नवीद भाई, ट्विन सिटीज़ के नाम से अपना एक मीडिया चैनल चला रहे हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वेरी हैप्पी कि ये अपना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो नवीद भाई हमें आप दिखाएंगे अपना काम। बेसिकली सिटीजन जर्नलिज्म का, ठीक है, इनिशिएटिव है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कामयाब जवान प्रोग्राम था, हाँ हाँ, उसकी ये सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह। तो अभी अकेले ही कर रहे हैं या आपके साथ एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हैं? एम्प्लॉयज़ नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनका कोई ओरिजिन नहीं होगा, लोग यहाँ से चीज़ें उठा के, ठीक है, और वो चीज़ें जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे, वो अपने अगर किसी की मार्केटिंग करनी है किसी यूनिवर्सिटी की, तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट खूबसूरत से इमेजेस इस तरह की वेबसाइट से जनरेट करते हैं। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी अगर मैं इसको दिखा इसलिए रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा आपके सामने बहुत अच्छी तस्वीर आती है, खूबसूरत तस्वीर आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो तस्वीर एग्जिस्ट भी करती है। वो ये बंदा दुनिया में जो लोग फैक्ट चेक करते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। अगर मुझे ये तो दिखाया जाए तो मुझे ये लगेगा बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट सा आदमी है, तो मैं आंखें बंद करके यकीन करूंगा। यार यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये कहते हैं कि अब टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, तो मतलब खाना पीना चल रहा है भाई अच्छे तरीके से, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी रहे हैं। और अपनी तस्वीरें जो यहाँ पे दोस्त ले रहे हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को बता दीजिएगा कि ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये लगाना चाह रही हूँ, आपको पता हो, क्योंकि सम टाइम हर कोई कम्फर्टेबल नहीं होता तस्वीरों के साथ। सर आपकी आपकी बन रही है, लगा दें। हाँ जी, ये था जी हमारा ट्रेनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम जैसे भी आप कह लें, और अभी डिनर सॉरी लंच है, उसके लिए ऊपर जा रहे हैं। अभी जो ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं उनके साथ भी मेरी हेलो आई हुई है, इट वाज नॉट ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अच्छा सेशन रहा। अभी जनाब लंच के लिए हम जा रहे हैं ऊपर, सारे चले गए थे, मैं तो ज़रा बातचीत कर रहा था उनके साथ, तो हम भी चलते हैं। कहाँ है ये? इधर रश लगा हुआ है, सारे बड़ी बड़ी प्लेटें पकड़ के खड़े हैं, हम भी यहीं पर कोई अपना जुगाड़ लगाते हैं। नाइस यार, सलून वगैरह बने हुए हैं। जब तक सारे लाइन में लग के खाना ले रहे हैं, हम थोड़ा बाद में ले लेंगे, उतनी देर ज़रा होटल एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये F6 का मरकज़ है बाहर सारा, अब सारी आइटम्स थोड़ी थोड़ी हमने तो ले ली हैं, बाकी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह, ये हमारे नवीद भाई फिल्मिंग कर रहे हैं, फीमेल्स हैं तो मैं कैमरा नहीं ऊपर कर रहा, लेकिन दिस इज़ द एरिया जहाँ पे ये सारी केटरिंग हो रही है, एंड इट्स अ गुड वन।
देखो भाई, मैंने सोचा था कि मैं डाइटिंग पे हूँ, ठीक है। ये हमारे नवीद भाई, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं डाइटिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मीठा पसंद है। अब मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही लिया, लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली अब चार आइटम्स तो हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके भी प्लेट भर जाती है। यार, मीठे का शौकीन जो भी है ना, मैं समझता हूँ उसके लिए ये जन्नत है। आइसक्रीम, कस्टर्ड, ठीक है, और वो खीर समथिंग है, और ये ब्राउनी, भाई क्या टेस्ट है यार। मैं ऑलरेडी सोच रहा था कि यार इसी शादी सीज़न में ना कोई शादी अटेंड करनी है, कस्टर्ड वगैरह खाना है। भाई, दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट कस्टर्ड। वीद भाई, कुछ कहना चाहेंगे? यार मज़ा आ गया मुझका। खाना फाट गए। हमें एक चैलेंज मिला था, एंड हियर इज़ माय स्कोर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी, हमारा सेकंड चैलेंज भी कम्प्लीट हो गया है। 15 नंबर आए हैं 16 में से, क्योंकि एक गलत अटैम्प्ट की थी। वैसे हर एक के लिए ना आप चार चार अटैम्प्ट कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट कह लो कि अच्छा सीन है। यार भाई लोग, ये तकरीबन 6 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर ये तीसरी दफ़ा माशाल्लाह खाना आ गया है। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ट्रेनिंग के दौरान इतना खाना खा के ना आवाम सुस्त बहुत हो गई थी। भाई ये बिस्किट्स का अपना ही सोया गया। मैंने चाय पीनी नहीं थी इस दफ़ा जाते जाते, लेकिन मैंने कहा यार इसके साथ ना बहुत ही मज़े वाला सीन है, इस वजह से स्पेशली ली है। अच्छा यार, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, और एंड पे सबसे बातचीत हो रही होती है। इस तरह के सेशन में ना मोस्टली इंफॉर्मेशन तो आपको मिलती ही है, लाइक उन्होंने स्लाइड्स वगैरह बनाई होती हैं, और वो मोस्टली ट्रेनिंग में वही स्लाइड्स रिपीट हो रही होती हैं। काफ़ी चीज़ें आपको पता भी होती हैं और काफ़ी नहीं भी पता होती हैं। बाहर जाके बात करता हूँ, यहाँ पे बड़ा अकवर्ड लग रहा है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लोग अजीब अजीब तरह देख रहे हैं। ये चलते हैं जी हम बाहर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। ये आ गए हैं जी हम बाहर। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह में मेन जो मुझे फ़ायदा होता है, या मेरा ख्याल है सबको होता है, वो होती है नेटवर्किंग। डिफरेंट चैनल से लोग आए होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से, कोई सोशल मीडिया से है, कोई डिजिटल मीडिया, मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ से आए होते हैं लोग इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ मिले, आई कॉन्ट मैंशन, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे थे, लाइक प्रोफेशनल फील्ड में मुझे उनका फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग भी यार, जिस भी फील्ड में हो आप लोग, जिस भी फील्ड में हो उसमें। अच्छा यार, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और अभी बाहर आए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ों का फ़ायदा होता है ना इंसान को किसी भी चीज़ में, वो नेटवर्किंग का होता है, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड से हो, लाइक कंप्यूटर साइंस से हो, मेडिकल से हो, मीडिया से हो, किसी से भी हो, आप अपनी फील्ड की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह हैं, उनमें लाजमी जाओ, आपको अपनी फील्ड के लोग मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे आज यहाँ पर डिफरेंट लाइक डिजिटल मीडिया से लोग मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिले, तो मेनली आपका फ़ायदा इन चीज़ों में होता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि यार दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। लाइक 3 साल हो गए मुझे ये मीडिया की डिग्री करते हुए, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग से जो सीखने को मिलता है ना, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, वो लाइक आप दो तीन साल में भी आपको डिग्री से नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप इस एडवाइस पे अमल करें तो आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ जैसे आप लोगों का दिल चाहता है। और हमारे साथ अभी जवाद भाई हैं। सक्सेस स्टोरी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम था, कामयाब जवान प्रोग्राम। तो उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया की, उनके साथ भी प्रोजेक्ट किया, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्टअप था, तो अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो बस यार, आते हुए जो आप लोगों को दिखा दिया था, ठीक है, तो जाते हुए मेरा ख्याल देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस टाइम इंशाल्लाह रास्ते में कुछ शॉट्स हुए तो मैं डाल दूँगा, और एडिट करने का मुझे नहीं पता कब टाइम मिलेगा, लेकिन ये था कि आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा गुजरा। लाइक डेली के जो दिन होते हैं ना, पढ़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, लाइक फॉर्मल ड्यूटी से हट के कुछ था, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोग अभी तक देखते रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। ये है जी F6 का मरकज़, यहाँ रूफ टॉप कैफेज वगैरह, चाय महफिल, इस तरह मतलब काफ़ी फेमस स्पॉट्स हैं। और अभी वो सनसेट वाला सीन होने वाला है, बिकॉज सर्दियाँ आपको पता है आ गई हैं। ओ भाई जान, बस ये एक भाई साहब से
धूम मचाले वाला स्टाइल कर रहे थे ब्लॉक के चक्कर में, मैंने भी साथ रगड़े जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, स्पीड बहुत स्लो थी लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं था, मतलब बहुत स्लो स्पीड थी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। और वो आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ। ये वो एरिया है जहाँ पे मोस्टली एम्बेसीज और इस तरह के लाइक ऑफिसेज, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया बहुत कम है। लाइक मोस्टली आपके हाईली और जो ऑफिशियल अदारे हैं वो होते हैं यहाँ, उनमें काम करने वाले लोग होते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ नहीं आ रही मैं इधर को जाऊँ या वापस उधर को जाऊँ। ये रोड हमें सीधा F7 ले जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे F6 है और इधर F7 है। चेक कर रहे हैं, खूबसूरत सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटा सा फटा ये हो गया है कि पिछले टायर की जो हवा है ना वो आधी रह गई है। अब वापस जा रहा हूँ F7 के जो पेट्रोल पंप है उस पर, ताकि इसको चेक करवाया जा सके। मुझे ये लग रहा है कि जब सुबह मैं निकला हूँ ना तभी रास्ते में कोई इशू हुआ है, क्योंकि जब मैंने होटल से बाइक निकाला है तब भी हवा कम थी लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, अब ज़्यादा कम हो गई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम टाइम से पहुँच गए थे, रास्ते में मसला नहीं हुआ। ये जी इधर यहाँ वापस आए हैं, जो आप लोगों ने अभी देखा होगा पीछे, उन्होंने कहा है वापरा चेक कर लो दोबारा, कोई इशू हुआ तो दोबारा मतलब कि चल जाएगा रास्ते तक तो पहुँच जाएगा ना। उन्होंने कहा दोबारा इशू हुआ तो फिर पंचर चेक करवा लेना, वरना यहाँ पे आपको पता है रेट भी काफ़ी हाई होगा। उन्होंने कहा डर खोल के चेक करते हैं हम, तो यहाँ वो सीन नहीं है कि मतलब जैसे आम इलाकों में होता है ना कि टायर उतारे बगैर चेक करते हैं। जब आएगा इमरान ये जी बस तैयारी चल रही है इनकी, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन जब लॉन्ग मार्च पास आ गया तब ये सारा कुछ सील कर देंगे यहाँ पे। ये देखो ये सारे रखे हुए हैं इन्होंने सील करने के लिए। चलो बस ठीक है, बंद कर दो, अब हो गया। अच्छा मुझे मैं एकदम बंदे को एक वो होता है ना पैनिक अटैक आता है कि हमारा इशारा खुल गया। शुक्र है हमारा नहीं था, मैं इस वाले को देख के समझ रहा था ये वाले को, हमारा वो वाला है। हमारी जो टायर की हवा है ना वो बेसिकली डिटरमाइन करेगी कि हमने यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। तो फिलहाल इतनी है कि हम घर पहुंच सकते हैं, तो सुकून से घर जाते हैं पहले, बाकी बाद में देखी जाएगी यार, जो ख्वारी होगी बाद में करेंगे।